Hey guys, I'm Janvi and welcome to my lecture series, Careers in Psychology. I'm getting a lot of emails. I will answer them in the comments also. It will be great if you can ask me those questions and you can wait for two more videos. This video is going to be about qualities of a psychologist. Jab psychologist ki baat aati hai, tab everybody feels like you have to be perfect. You have to be anything which is not human. जैसे अगर कोई you know, if somebody is expressing grief, किसी का कोई expire हो गया, another person is crying, you know, everybody will come and tell you, you are a psychologist, you are not supposed to cry. All of this is not true. Every psychologist is also a human being and every psychologist may also need therapy. No psychologist is perfect because no human is perfect, you know. So सबसे पहले all of those myths about a psychologist should not be this kind of a person, you don't have the qualities, all that needs to be removed. Yes, there are some core qualities which are very very important for becoming a psychologist. पर वो हर एक psychology में बहुत सारे अलग अलग fields हैं, बहुत सारे जैसे behavioral जो field है उसमें psychologist का role अलग होता है, whereas a person-centered therapy. तो अलग अलग प्रकार की therapies में अलग अलग psychologist के अलग अलग roles होते हैं. So, diversity of psychologists is very very welcomed in this field. But yes, currently जो अभी worldwide सबसे ज़्यादा commonly used therapy is humanistic, यानी person-centered therapy कहते हैं, यानी it is all very related to the person. पहले ऐसा हुआ करता था कि psychologist used to be the director, कि वो बोलता था कि आगे ये करना है, वो करना है. In the phase before this, उससे भी बहुत पहले the psychologist only had to listen. सो अलग अलग फेजेस में राइट नाउ द फेजेस उसके अंदर कार्ल रॉजर्स ने तीन क्वालिटीज बताई हैं मेजरली ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट. वन इज एम्पथी. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पथी बहुत जरूरी है. एम्पथी इज नॉट जस्ट द एबिलिटी टू, मतलब लेमैन के टर्म में इट्स द एबिलिटी टू पुट योर फील इन समबडी एल्सेस शू, बट इन द टर्म्स ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इट इज ऑल्सो विदाउट लूजिंग द एज इफ क्वालिटी. यानी अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मुझे क्या फील होता, पर अगर होता तो वो जब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें अगर हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे तो हम खुद पेशेंट या क्लाइंट के साथ रोने लगते हैं. सो दैट क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एम्पैथी यानी हम दूसरों का दर्द समझ सके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर क्वालिटी इज जेन्यूननेस, यानी आप जेन्यून होने चाहिए एक व्यक्ति के हिसाब से. जैसे आप खुद एक बहुत डाउटफुल कैरेक्टर है और सस्पिशियस दिख रहे हैं, या आप खुद ऐसे दिख रहे हैं जिससे लोगों को शक हो रहा है, या यू आर शोइंग टू फेसेस टू कम्प्लीटली. ऐसा एवरीबडी डज हैव अ सोशल सेल्फ एंड अ पर्सनल इमेज, यू नो, कि वो पर्सनली अलग होते हैं, सोशली अलग होते हैं. पर जब ये बहुत ज़्यादा फेक डिफरेंस होता है, जैसे कुछ लोग बहुत एनिमेटेड होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं जेन्यूननेस में, दैट डज नॉट वर्क. यू हैव टू बी जेन्यून. और जेन्यून होने के लिए सबसे पहले आप अपने आप के साथ, आप क्या अपने आप को समझते हैं, डू यू कैन यू फेस योर सेल्फ, क्या अपने आप से ट्रांसपेरेंट है आप अपने आप से, चाहे दूसरों से होना हो वो बात अलग है. पर यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू शुड बी जेन्यून एज अ पर्सन, कि यार तो ही कोई आप पे ट्रस्ट. अदरवाइज बॉडी लैंग्वेज इज 93% ऑफ योर कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल जेस्टर्स. सो कोई भी इंसान आपके सस्पिशियस एक्टिविटी देख के, व्हाई यू आर अ काउंसलर, यू हैव टू विन दैट अदर पर्सन ट्रस्ट. जो यूजुअली हमारे डीपेस्ट पेन्स थॉट्स किसको शेयर करते हैं, वी ओनली शेयर विद पीपल वेरी क्लोज टू अस. और वैसी क्लोज फ्रेंडशिप बहुत सालों के बाद होती है. वी एज अ साइकोलॉजिस्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट काइंड ऑफ अ रैपो विद इन जस्ट अ फ्यू सेशंस. सो अंटिल एंड अनलेस यू आर अ जेन्युइन पर्सन, पीपल विल नॉट फील कंफर्टेबल टू कम एंड शेयर थिंग्स विद यू. इसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती है, जैसे अगर इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको गॉसिप, यू नो, यू आर नोन फॉर केयर इधर की उधर बातें, सो देव दैट पर्सन विल नॉट फील कंफर्टेबल. सो यू बीइंग जेन्युइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. माय थर्ड क्वालिटी स्पोक अबाउट वाज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड यानी आपको किसी को, किसी भी ह्यूमन को रिस्पेक्ट करना है जस्ट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू विल गेट अ क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल कि जिसने अपनी वाइफ का रेप किया हो, उसको रेगुलरली करता हो मैरिटल रेप, बिकॉज ही हैज अ साइकोपैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, एंड ही कम्स एंड टेल्स यू, व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग एंड जजिंग कि यार ये ऐसा है, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प दैट पर्सन. सो फॉर यू टू हेल्प दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन
children's observation home, juvenile observation home, usmein bhi you get all kinds of children who are into crimes. And if you sit and start judging ki yaar isne to kidnap kiya, isne to murder kiya, this is not a good person, you will not be able to help that person become a better person. We don't want to make them worse by doing exactly what other people do. We have to show them unconditional. And very honestly, jo mera experience hai usme se, just by giving, putting some trust on these children, ki yaar I trust you that you will improve in your behavior, and you will see how fast they improve. So unconditional positive regard is very important. If you are a judgmental kind of a person, ki koi enter hua nahi ki aapne usko purva judge kar diya ki ye to aise hai, ye to waise hai, ye, you know, people just have a lot of people have a very usual habit of just judging everybody. And most people start with yaar mujhe koi pasand nahi, you. So if you are that kind of a person, then that becomes a little difficult, because as a psychologist you will get all kinds of clients. And if you have preferences ki bhai mujhe ye pasand hai, ye nahi pasand hai, so you will not be able to serve them all very genuinely and honestly. Ethically kaha jata hai ki if you feel like koi aapko nahi pasand hai, this that, then refer them to somebody else, kyunki aapke feelings or emotions uske upar haavi nahi hone chahiye. So this is, and apart from this, the other psychologist came up with a quality called concreteness. Concreteness yani jo inhone isme add kiya hai ki wo kahin par bhi bas baatein chal rahi hai, baatein chal rahi hai, that nahi, wo nahi hona chahiye. Concrete goals आप फॉर्मुलेट, यू शुड बी एबल टू फॉर्मुलेट, बिकॉज वो जो क्लाइंट आएगा ही माइट हैव 100 थॉट्स. योर टास्क इज टू ऑर्गेनाइज देम और उसको एक गोल में और एक प्लान में उसको डालना है. सो दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वालिटीज ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट जस्ट इंक्लूड बी द बेस्ट ऑफ हु यू आर. इफ यू आर योर सेल्फ अ वेरी गुड पर्सन, जेन्यूनली गुड पर्सन, यू इंट्रोस्पेक्टेड, कहा जाता है कुछ लोग बोलते हैं वुंडेड डीलर, यानी अगर आपके पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो बहुत पेनफुल हो, लेकिन आप इफ़ यू आर एबल टू ओवरकम इट, देन यू कैन बी एन एक्सेलेंट काउंसलर. बट अगर वो चीज़ ग्रजेज में अगर आप पास्ट में रुके रहते हैं, एंड इफ़ यू टेक साइकोलॉजी बिकॉज आपको उस चीज़ में से बाहर निकलना, यू थिंक मैं साइकोलॉजी पढ़ के मैं मेरे सारे नेगेटिव्स निकल जाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. इफ़ यू फील लाइक यू जेन्युइनली हैव सम मेजर इश्यूज, जैसे आपको कोई पास्ट में कोई बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि यू कैन फॉरगिव समवन, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो गो फॉर थेरेपी, बिकॉज शायद आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया और उसी प्रकार का क्लाइंट आपके सामने आएगा, दैट विल बी वेरी ट्रिगरिंग फॉर यू. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम लोग मास्टर्स लेवल पे जब काउंसलिंग करते हैं, दे गेट ट्रिगर्ड इन क्लास, दे कॉन्ट स्टॉप क्राइंग, वो लोग को खुद थेरेपी की ज़रूरत पड़ने लगती है. सो इट्स नॉट दैट एवरीबडी हैज़ हैड, यू कॉन्ट बिलीव, आप देखोगे नहीं कि कॉमन पीपल हैव हैड सच बैड एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. किसी के पापा को फॉल्सली एक्यूज करके जेल में डाल दिया है, तो किसी की मम्मी कैंसर से पीड़ित है. एवरीबडी हैज़ अ लॉट ऑफ पेन अराउंड यू, समबडी इज सफरिंग देमसेल्व्स फ्रॉम अ टर्मिनल इलनेस. सो पेन इज एवरीवेयर, बट योर टास्क इज जस्ट टू ओवरकम इट. एंड यू एज अ पर्सन, इफ यू आर अ पर्सन हु सीक्स इम्प्रूवमेंट, हु कॉन्स्टेंटली, एंड ऑब्वियसली बींग अप्रोचेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, and somebody who can understand others, I think you have the qualities of becoming a psychologist. And psychology is a journey. Aap journey mein you can grow as a person throughout your journey. So I hope this video helps, and the other videos will also be regarding psychology. If you have any other questions, you can put it on the comments below. Thank you.